नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर विमेन्स द्वारा लगातार अध्यक्ष रीना वेदागिरी के नेतृत्व में मानव सेवा के उपाध्यक्ष से हर क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों जिला प्रशासन के माध्यम से उनको सूचना मिली कि सदर अस्पताल में मरीज के अटेंडर को रात ठहरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अटेंडर के लिए खासकर महिलाओं को रात ठहरने में परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से उनके लिए तकिया, बिस्तर, चटाई आदि की व्यवस्था करते हुए सारे सामानों को सिविल सर्जन जुझार माझी के सुपुर्द किया। देखिए, मैं इनसे बहुत प्रेरित हूँ और प्रेरित इसलिए हूँ कि अभी तक जो भी सो कॉल्ड नेम वाले एनजीओज हैं जिनको गवर्नमेंट से काफी पैसा मिलता है, काफ़ी ऐड मिलते हैं उनके, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है इतना सेवा करने का जो इन हमारे रीना जी के टीम्स को है, जमशेदपुर विमेन कमेटी जो है। और ये लगातार 13 वर्षों से काम कर रही है विदाउट एनी गवर्नमेंट फंड। इनको कोई गवर्नमेंट फंड नहीं लिया है इन्होंने अभी तक। आज भी जो सामग्री इन्होंने दी है, चटाइयाँ, तकिया, कॉम्प्लान, साबुन, कंघी, ये अपने कंट्रीब्यूशन से दिए जो बहने कड़ी हैं, हम इनसे इम्प्रेस थे। और यहाँ आके जो हमको अच्छा लगा, जो पेशेंट्स की स्थिति और जो हॉस्पिटल का व्यवस्था मैंने देखा, उसमें मैं हमारे डॉक्टर जी माझी से भी मैं इम्प्रेस हूँ, ताकि इस तरह के डॉक्टर्स जो सही में जमीनी हकीकत से जुड़कर जो ज़रूरतमंद हैं, जिसके लिए सरकार इतने पैसे खर्च करती है और उन तक व्यवस्था नहीं पहुंचता है, आज हमारी व्यवस्था सही तरीके से पहुंचे, ये हमारा इनके माध्यम से आग्रह रहेगा, प्रशासन से रहेगा, मुख्यमंत्री से रहेगा, हमारे मंत्री बन्ना जी हैं तो। लेकिन उसके बाद भी हमारी बहनें, देखिए सब प्रोफेशन से है, कोई लॉयर से, कोई बिजनेसमैन है, रीना जी काउंसलर से हैं, इन्होंने समय दिया, संडे छुट्टी मार सकती थी, इन्होंने हमें कहा कि भाभी हम ऐसा काम कर रहे हैं आप चलो। और ये हमेशा लगातार कर रही है, आप जेल में जाके उन बच्चों के लिए करती हैं, या वो जो 10 साल 12 साल जो जेल में हैं जिनको पता ही नहीं कि हमने क्या गलती किया है, या वो निकल कैसे पाएंगे, उनका वेलर कोई नहीं है, उनको भी जाके सिखाती हैं, काउंसलिंग करती हैं। 10 12 साल के बच्चे भी हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं, कोई वेलर भी नहीं, कोई उसको निकालने वाला भी नहीं है। तो इसलिए इनके काम से इम्प्रेस होके हम समाज सेवा में इनके साथ जुड़े हैं। और राजनीति और समाज सेवा कोई अलग अलग नहीं है, राजनीति एक ओहदा होता है जिसके माध्यम से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, और समाज सेवा तो हर वक्त समाज सेवा ही है। राजनीति के माध्यम से करो, डॉक्टर्स के माध्यम से करो, आप प्रेस के माध्यम से करो, बहनें कॉपरेशन करके समाज के माध्यम से करें, सेवा दे के करें, काउंसिलिंग दे के करें, मनोबल बढ़ा के करें। तो हम इनसे इम्प्रेस हैं, इसलिए आए हैं। और डॉक्टर साहब को देख के हमको बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अच्छा से कहा, इसमें डीसी मैडम का कॉपरेशन है। मैं चाहूँगी कि वो नई नई आई हैं और उनका उम्र अभी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह से एक्टिव हो के काफ़ी चीज़ें हैं जो उसका ज़मीनी हकीकत में जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, उस ज़मीनी हकीकत तक हमारे प्रशासन, हमारे पॉलिटिशियंस और समाज सेवी और प्रेस अगर जुड़ेगा तो देश क्या, हमारा झारखंड क्या, पूरा विश्व हम सुधार सकते। हम सभी महिलाएं जमशेदपुर वुमेन्स क्लब से हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये ट्रेजरर है एडवोकेट कंचन मिश्रा, ये आभा महतो जी हैं हमारी कोर कमेटी के मेंबर्स, सुनीता सेठ हैं, सीमा गजारिया, ममता अग्रवाल हैं, श्रद्धा अग्रवाल हैं। हमारी संस्था जहाँ भी इस तरह की कोई ज़रूरत होती है, हम लोग अपना तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी सामान, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करवाएं। ज़िला प्रशासन की तरफ से हमें पता चला था कि यहाँ पर लेडीज़ की सुरक्षा के लिए एंड जो अटेंडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए कुछ पिलोज, मैट्स की आवश्यकता है, हेल्थ ड्रिंक्स, कॉम्प्लान की ज़रूरत है, कुछ कंघियाँ और सोप्स की ज़रूरत हमें बताई गई थी। तो आज हम जमशेदपुर विमेन्स क्लब के माध्यम से सदर अस्पताल में वही सारा सामान जो है आज देने आए हैं। आगे जिस तरह से आप समाज हित के लिए आप लोग लगे रहते हैं, और क्या कुछ फ्यूचर में ऐसी सेवाएं जो हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके द्वारा मुहैया कराई जाएंगी? मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर हूँ, अगर किसी भी पेशेंट को क्लिनिकल नहीं अगर साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो आई ऑफर माई सर्विसेज। ज़रूर यहाँ डॉक्टर्स जो है हमें संपर्क करें, वी विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड आवर सर्विसेज। जी, आपका शुभ नाम? रीना वेदागिरी। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही।
कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।